नॉक नॉक, कौन है? अरे कौन कौन, अरे कौन, ये वाला कौन? ऐसी बातचीत होने वाली है इस रेसिपी के बाद, क्योंकि आज बिग डैडी शेफ पे कुछ अलग होने वाला है। ये जो कौन है ना, इसमें जिसमें सबने आइसक्रीम खाई है, आज इसमें बनेगी भुट्टे की खीर, यानी कि कॉर्न कोन। वाव, कॉर्नेटो। वैसे अगर आप इंदौर जाएंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह है सराफा, वहाँ पे रात को बाजार लगता है खाने का, और वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं भुट्टे की खीस। खीस मतलब एक्चुअली भुट्टा घिसा हुआ। उसी से आज हमने एक नया इनोवेशन किया है, भुट्टे की खीस का कॉर्नेटो। इट्स अमेजिंग, आई टेल यू हाउ। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा घी। खीस अच्छे से भुनती है घी में, जीरे के साथ, थोड़ा सा हींग होनी चाहिए उसमें, एंड ऑल दीज फ्लेवर्स आर वेरी वेरी टिपिकल इंदौरी। थोड़ी सी हींग का पाउडर एक चुटकी, और इसमें पड़ेगा अब थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक। वेल डैडीज, अ क्विक डैडी हैक, बच्चों को ना ये सब चीज़ें अगर दिखाएंगे ना तो इसके अंदर आप कुछ भी डाल लो वो खा जाएंगे। ये भुट्टे की खीस तो बहुत टेस्टी होने वाली है। मिर्च आप बच्चों के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा करी पत्ता, वो भी थोड़ा सा तोड़ के। अब इसमें जो भुट्टा है यानी कि कॉर्न, वो फ्रेश सीजनल जो भुट्टा होता है, कच्चे भुट्टे को घिसा जाता है सीधा यहाँ पे ग्रेट करके, और वो भूना जाएगा अच्छे से। अब ये घिसा हुआ भुट्टा यानी कि प्यूरे किया हुआ भुट्टा अब घी में भुनेगा। फ्रेश भुट्टे से बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको ग्रेट करेंगे, लेकिन अगर आप फ्रोजन भुट्टे से बना रहे हैं तो उसे आप क्रश करिए, यानी कि मिक्सी में डाल के उसे बस क्रश करना है। यू डोंट हैव टू मेक अ पेस्ट। वो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, मुंह में बाइट आनी चाहिए। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर। खीस बहुत टैंगी होती है, अड़िया बढ़िया खट्टी होती है, तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, ये दोनों का जो मिश्रण है, दिस इज अमेजिंग। खीस जो है कई तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। कुछ लोग इसमें दूध डालते हैं और ऑलमोस्ट एक गाढ़ी खीर की तरह बनाते हैं और उसे खाते हैं, बट फॉर दिस रेसिपी आई एम नॉट गोइंग टू ऐड मिल्क, क्योंकि मुझे कोन में डालना है। आई डोंट वॉन्ट इट फ्लोई, सो आई वॉन्ट इट नाइस एंड थिक, भुना हुआ जिसमें फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। फाइनली अ लिटिल शुगर, इसे बढ़िया खट्टा मीठा नमकीन, ये सारे फ्लेवर जब एक साथ आएंगे ना तो मजेदार हो जाएगा। तैयार है, रेडी है। आई मेड सम क्विक चॉप साल्सा, टोमेटोज, अनियंस, हैलापीनोस, चॉप कोरिएंडर, सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस। वेरी सिंपल, थोड़ा स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं। साथ ही मेरे पास थोड़ी सी सा क्रीम है, सा क्रीम वेरी सिंपल टू मेक, 3 पार्ट्स ऑफ योगर्ट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम, फेट के मिक्स करके। नाउ we are going to fill this up with a little bit of the salad at the base, then I'm going to add a little bit more of this salad here on top, and now a nice dollop of the sour cream. I have with me some popcorn. This is going to give that extra crunch. Looking lovely. बिग डैडी शेफ देखते देखते आप बिग डैडी कूल होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मम्मीज़ को, फ्रेंड्स को, सबको लुभाने वाली है। बॉस, इफ यू वांट टू बिकम अ सुपरस्टार, लॉग ऑन शेफ अजय चोपड़ा ऑन यूट्यूब एवरी संडे एट 2 PM, बिकॉज दैट्स वेयर द बिग डैडी शेफ इज क्रिएटिंग अ हैवॉक विद फूड, चिल्ड्रन, फन, मस्ती, अमेजिंग स्टफ़।